फिलहाल हम आए हैं पीओ और सुबह से ही व्लॉग शुरू करने का टाइम लगा क्योंकि वैसे ऐसे सडनली हो गया कि जाना है। और आज है मैडम जी का बर्थडे, दिया मैडम जी का, सारे विश करें इनको ढेर सारे। तो एकदम से हो गया, ऐसा नहीं था कि आज जाना था। मम्मी ने पिछले बार भी ऐसे बताया, पिछले बार भी सेम लवी था और इसका बर्थडे था और उस टाइम भी सडनली मम्मी ने जाओ बोला था। इस बार भी ऐसे हुआ कि मम्मी वगैरह हम सब आने वाले थे, पहले मम्मी वगैरह, सारे मासी वगैरह, और उसने में ये हो गया कि मैंने बोला कि मेरे को मतलब बच्चों के साथ जाना, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ शॉपिंग किया नहीं जाता पिछले दिनों में, मतलब पिछले टाइम भी हम आए थे बच्चों के साथ, तो इसीलिए मैंने अकेले जाते। और मैडम जी का बर्थडे भी था और सडनली मम्मी ने भी अकेले जाने के लिए बोला, तो फिर ऐसे ऐसे करके पहुँच के हम पहुँच गए आज फिर दोबारा साथ। तो ये चीज़ है, बाकी वहाँ थोड़ा बहुत काम था डिजाइनर के पास, वो किया है, और मैडम जी ने गिफ्ट लेना था और मैंने कुछ चीज़ एक्सचेंज करनी थी तो वो सब किया। अब हम लवी मेला देखने जाएंगे थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सी शूट करूँ, ज़्यादा शूट नहीं करना मैंने, तो ये चीज़ है। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। ये वाला ना वाइट वाला ऐसे ही ना सुंदर है, बना सकते हैं ये वाला, ये वाला नीचे वाला काट जाता है इसमें। अच्छा, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ भैया, लगाओ 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 हाथ। ओ भैया, वो वाला सूट दिखाना, वाला कौन सा वाला? ग्रे वाला। ये एक ही पीस है, मैंने ले लो। कितने का? 25 25 का। बोलो यहाँ पे दीदी, बचपन की यादें ताज़ा कर रहे। किसके ऊपर लगा रहे दीदी? बस दीदी, रहने दो, बस दीदी। पैसों के ऊपर लगा रहे दीदी। भगवान दीदी, मैं खेलूंगी अपना, ऐसे नहीं खेलूंगी तो पूरा फुल खेलूंगी मैं भी दीदी। लगाओ एक तो जीतो दीदी। बहुत सुनसान है, अब खत्म हो गया ना सारा प्रोग्राम, तो सब कुछ उठा रहे, कुछ नहीं है, झूला भी कोई नहीं खेल रहा है, बस हम वो वाला झूला खेलने जा रहे हैं क्योंकि हम अपने बचपन की यादें जो वो ताज़ा करना चाहते हैं, तो बस इसीलिए हम झूला खेलने जा रहे हैं। बाकी सुनसान है, कोई नहीं है, ये भी ब्लॉग बना रही है, तभी चलते हैं झूला खेलने के लिए जा रहे हैं। कोई नहीं है, सुनसान है, और वैसे बैच क्राउड नहीं था तो हमने सोचा चलो खेल लेते हैं, क्योंकि बचपन में खेला था और उसके बाद कभी भी नहीं खेला था, तो आज ऐसा मन हो रहा है कि जाते खेलते, क्योंकि अपनी भी ज़िंदगी है, थोड़ा जीना चाहते, बस उसके बाद तो बच्चों में बिजी है, तो आज जीना है तो चलते खेलते और देखते हार्ट अटैक आते नहीं आते मुझे। भी गई और इतना डर नहीं लगा था मेरे को, शुरू में लगा डर, उसके बाद नहीं लगा, आँख बंद की थी स्टार्टिंग में। ये मैडम तो पूरा लाख उतरते तक ही चिल्ला चिल्ला के, मैंने बचपन में खेला है सरान में, जब दशहरा मेला होता था सरान में, तब मैं सरान में रहती थी, तब मेरे पापा वहाँ नौकरी करते थे तो हम वहीं रहते थे, इतना खेला इतना खेला। अब जाके यहाँ आज तो बड़ा मज़ा आया, सारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो मैंने क्या क्या शॉपिंग किए मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने मतलब अंदर मार्केट से लिए वो चीज़ दिखाती हूँ, मतलब जो लवी मेले से लिया वो। तो फर्स्ट है ये, जो कि ये मतलब इस टाइप का की पैड होता है ना, ये वाला जो रिमूव हो जाता है क्लिप। हाँ हाँ हाँ, देख लिया, अब जाओ आप बैठो। तो मैंने ये मतलब लवी मेले से लिया, ठीक पड़ रहा था, ठीक है, रेट पे पड़ रहा था, तो मैंने दो ले लिए, एक विवान के लिए, एक विवान के लिए, ये लिया मैंने लवी मेले से। उसके बाद लिया मैंने एक लवी मेले से अपने लिए ये स्वेटर, नो ना भाई मतलब, तो इसके बाद मैंने एक स्वेटर लिया है लवी से लिया, ये भी, और बहुत ही अच्छा है,
क्रॉप क्रॉप जैसा है और जिपर टाइप में, मतलब इतना ही है नेक पे, इतना सा वो है। तो मुझे शॉप पे सर्दियों के अकॉर्डिंग लेना क्योंकि मुझे शॉप पे जाना पड़ता है, तो इसलिए बाकी इसके अलावा मैं इसको जैकेट के अंदर भी डाल सकती हूँ। जैसे मैंने आज जैकेट पहना था, आज मैंने जीन्स कुर्ता और जैकेट पहना था, पर इतनी गर्मी थी, मतलब थी दिन में गर्मी, तो इसलिए मैंने सिर्फ वो पहना था, पर सर्दियों में मैं इसको वेयर कर सकती हूँ मतलब जैकेट के अंदर से, तो अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, मतलब ऐसे नहीं कि लवी में लगाए तो घटिया माल ही है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ है, मतलब चीज़ जचनी चाहिए बाकी के बारे में, बाकी ये है, बाकी चलो देखती हूँ मैं कैसे पहनूंगी वो, तो मुझे कुछ खुद को आइडिया नहीं है। और इसके अलावा मैंने कि मतलब बेबी पिंक कलर में स्वेटर, ये हाई नेक टाइप का, और इसका यहाँ पे मुझे ये पसंद है इसका गला, ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, मतलब इस टाइप का डिज़ाइन, वो मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने इसको बाय किया। मेरे बहुत अच्छा स्वेटर है और बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल ही सॉफ्ट है। तो एक मैंने ये स्वेटर लिया जो मैंने बाहर से लिया, वो बता रही हूँ लवी से, मतलब सब बाहर से किया, सॉरी लवी मेले से। और इसके अलावा मैंने कि ये पैंट वगैरह वो लिया, लोअर लिया है, एक मैंने पहना हुआ है, ये मतलब स्ट्रेचेबल है, जैसे स्वेटर का स्टफ होता है ना, मतलब सेम ऐसा है। अगर इसको पहनूँ ना मैं अगर ऊपर और नीचे, मतलब अपर और लोअर को, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बट वो ये कि मैं सिर्फ मतलब कि होता है ना, मतलब घर में नहीं पहन सकती ये चीज़ें, अच्छा नहीं लगता है। सूट ही पहना है तो सूट ही अच्छा लगता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है। अभी इसको एक बार वॉश करूँगी फिर पहनूँगी। तो ये हो गया पजामा, एक पजामा ये लिया मैंने, एक ये लिया है, और ये दोनों सेम कलर में आया है। मैंने जो पहना है वो थोड़ा डार्क, ये जो है थोड़ा लाइट कलर में, और इसका तो अभी टैग भी है यहाँ पर, ये भी मैंने लवी मेले से लिया और बहुत अच्छा है। मोटे मोटे पजामे, बहुत ही अच्छे और कंफर्टेबल पजामे। तो दो ये हो, दो इसके साथ तीन पजामे हो गए। और ये एक मैंने जिपर लिया है, ये इस टाइप का जिपर है, कोई पहनू तो बताऊँगी। तो ये वो वाला है, ऊन वाला टाइप होता है ना, बस वैसा वाला जिपर है। तो मैंने ये लिया है स्वेटर वगैरह के बाहर से पहनने के लिए, क्योंकि सर्दियों में पता है जैसे जितने भी कपड़ों कमी पड़ते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब होता है, बारिश वगैरह होती है, बर्फ पड़ती है, तो पानी नहीं रहता, कहीं दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है मैंने ये सब लिया, मोटे मोटे कपड़े लिए अपने लिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं लिया। तो ये और इसके अलावा जो है, हाँ जी खाना खाने, राजमा खाना खाने, अभी ढूंढिए देखो। तो ये और अब मैं बात करती हूँ जो मैंने अंदर शॉप से लिया, मतलब प्रॉपर शॉप से जो मैंने लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और वो है पहला तो मतलब सॉफ्ट वूलन बच्चों के लिए, एक ये है क्योंकि मैंने खुद ने खोल कर देखा, मैं भी देख लेती हूँ आपके साथ साथ। ये है विवान का और ये है विहान का, तो दोनों के लिए दरवाज़ा बंद करो भाई, दोनों के लिए एक एक सॉक्स लिए। और उसके अलावा जो है मैंने एक सूट लिया है वेलवेट का, और मतलब सूट तो मैंने सिलने दे दिया है टेलर के पास, क्योंकि मुझे दो तीन दिन के अंदर शादी जानी है, तो उसके लिए मैंने सूट स्पेशली सिलवाया है। और ये वेलवेट का फर्स्ट टाइम मैं वेलवेट का सूट पहनने वाली हूँ, ऐसा मतलब नॉर्मल मैंने पहना है, बस सिंपल पहना है, ऐसा डिज़ाइन वाला नहीं पहना था तब बोलूँ, तो वेलवेट का। और मुझे ये कलर अच्छा लगा क्योंकि बस अभी तक ब्लू कलर में सूट नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वेलवेट का ये सूट लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैंने ये सूट लिया गणपति अंकल की शॉप से, पहले मैंने एक तरीका डाली, तो गणपति अंकल की शॉप से मैंने ये सूट लिया है, और आप भी जाके ले सकते हो, बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छी चीज़ें आएगी। और एक मैंने ये कोटी लिया है वहाँ से, मतलब गणपति अंकल से नहीं लिया, ये एक नया मार्केट खुला अंदर की तरफ को, वहाँ से लिया मैंने ये कोटी, ये पीच कलर में अपने लिए, क्योंकि वेलवेट के सूट के साथ मैं मोटा स्वेटर नहीं पहन सकती, तो इसलिए मैंने जो है पतली कोटी ली है। उसके बाद मैं बात करती हूँ दीपक के कपड़ों की, अपने ले जाऊँ और दीपक, मतलब ऐसा होता है प्योर जाऊँ और दीपक के लिए ना, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने दिवाली के दिन भी दीपक के लिए एक मतलब दीपक को मतलब मैंने जैकेट गिफ्ट किया था, क्योंकि होते ही है ना सब दिवाली में नए कपड़े पहनते, तो इसलिए मैंने दीपक को जैकेट गिफ्ट कर दिया था। अभी जो हमारे सीज़न के कपड़े जो हम लेने गए थे, हमने वो नहीं लिए क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड था उस दिन, तो हमने नहीं लिया। अभी हम लेंगे कपड़े, अभी हमने नहीं लिए, तो ये मैं अपने तरफ से लाया मैंने दीपक के लिए। तो एक मैंने स्वेटर लाया दीपक के लिए ग्रीन कलर में, तो इस तरीके से, और बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी इसकी और सिंपल है, बिल्कुल प्लेन है। मेरे को ऐसा था कि दीपक के लिए मैंने थोड़ा प्लेन चीज़ें, दीपक को क्योंकि ज़्यादा डिज़ाइन वाली चीज़ें पसंद नहीं आती है, तो इसके मैंने दीपक के लिए स्वेटर लिया, और जो मुझे खुद को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, ग्रीन कलर है, अच्छा है, डार्क ग्रीन कलर है, ब्लैक और वाइट दीपक का बहुत है, तो ग्रीन कलर लिया दीपक के लिए। और एक लोअर लिया मैंने दीपक के लिए, ये भी, और हाँ मैं बता दूँ, ये जो मैंने लोअर और ये स्वेटर लिया है, ये मैंने गुड्डू भैया की शॉप से लिया है। गुड्डू भैया की शॉप है अन्नपूर्णा बेकरी के साथ साथ इधर को, मतलब पंगी वाली साइड को, एक ही कपड़े वाला शॉप, मतलब उस लाइन में आपको एक ही कपड़े की शॉप मिलेगी जो कि पंगी वाली साइड को है, तो वहाँ से लिया। बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी थी, प्लस कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा होता है, एक दो पीस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो वो मैंने वहाँ से लिया, और प्राइस भी बहुत रिजनेबल होता है, तो ये चीज़ है। और मैंने ये लोअर लिया है दीपक के लिए, जो कि वो वाला है फर वाला लोअर है, और प्लस ये कि नॉर्मल लोअर नहीं है, ये आप
पैंट की तरह पहन सकते हो क्योंकि थोड़ा ही हाई रेंज में है और इसका ऐसा है कि ये बाहर पहनने वाला लोअर है, घर डालने वाला लोअर नहीं है। इसको अगर जैसे होता है ना, जैसे आजकल लड़के हुड के साथ पहनते हैं स्वेटर के साथ बाहर के लिए, तो अब सर्दी आ रही है तो मैंने इसके अकॉर्डिंग सोचा कि दीपक के लिए कुछ ऐसा चीज़ ले जो दीपक बाहर भी पहन सकते हैं, तो इसलिए जो है मैंने ये वाला लोअर लिया है। और अच्छा, इसके आधे यहाँ तक फर है और यहाँ से नीचे फर नहीं है, ये चेक करी थी मैं, तो ये चीज़ है। और इसके बैक साइड में भी एक पॉकेट है पीछे, तो मैंने दीपक के लिए दो चीज़ें ली है। और इसके अलावा मैंने क्या लिया भाई, वो लाओ तो कप लाओ तो वो कप लाओ तो जो मैं लाई थी, तो इसके अलावा मैंने एक कप लिया है और वो उसको वो लिया है क्या बोलते हैं छन्नी, नहीं अंदर से मैंने उसको कप को उतारा। हाँ मतलब ये छन्नी भी लाना, हाँ ये दो, एक दो, एक दो बस, एक दो। तो एक मैंने ये कप लाया, बहुत ही अच्छा मतलब भारी है। और ये मैंने लाया वहाँ से लिया है, वो लाओ छन्नी लाओ तो मैंने वहाँ से लाया, ये रतन सिंह नज़ाराम की शॉप से, बहुत ही अच्छा है मतलब क्वालिटी अच्छी है, भारी है। और नहीं वो जो मैं पीओ से लेके आई वो नहीं, वो तो कप है तो ये वाला चली, वो नहीं थी वो उसने अंदर डाला हुआ है, जा गिलास इसने वहाँ रखा है, खोलो भाइयों। तो ये रतन सिंह नज़ाराम की शॉप है, वहाँ पे वो होलसेल में मिलती है चीज़ें तो अच्छी मिलती है। और एक मैं लाई हूँ, तो ये रतन सिंह नज़ाराम की शॉप से लाए और मुझे अच्छा लगा मतलब ये ना, क्योंकि वहाँ पे जो जिसका प्राइस होता है उससे आपको लेस करके मिलता है और ठीक ठीक पड़ जाता है अच्छा खासा। तो ये चीज़ें ये और ये बस ये सब चीज़ें लेके आई, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ ये, क्योंकि मेरे हाथ में इतने भाई लो ना इतने सारे थैले हो गए थे कि मतलब होता है ना दर्द ही होने लगी थी कमर पीठ में। तो ये सारी शॉपिंग की आज मैंने लवी मेले में जाके, बड़ा मज़ा आया घूम के। और इसके अलावा हमने झूला भी खेला और आज मैंने वो जो फेंकने वाला क्या होता है उसको क्या बोलते हैं जो बोलते हैं वो खेला, बहुत मज़ा आया मतलब बचपन में खेली थी ये सारी चीज़ें और आज खेली और आज मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मतलब होता है ना कि मैंने बहुत टाइम बाद ऐसे बाहर गई हूँ और इतना टाइम स्पेंड किया, झूला भी खेलने गई, झूले में बहुत मज़ा आया, बचपन की दिन याद आई क्योंकि मैंने बचपन में ही खेला था, उसके बाद कभी भी नहीं खेला वो झूला। आई थिंक मैं उस टाइम शायद थर्ड फोर्थ में पढ़ती हूँ तब खेला था, उसके बाद अब जाके मैंने वो झूला खेला, बहुत मज़ा आया। बाकी वो रिंग वाला जो गेम होता है वो भी मैंने अब जाके खेला, तो बहुत मज़ा आया। और सच में आज पूरा दिन फुल ऑन इन्जॉय किया, मज़े से, किसी का कॉल नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा कि घर कब आ रहे हो, मज़े से आराम से आई मैं 4 बजे का घर पहुँच गई 4:30 का। तो ये सारी शॉपिंग की और बस अब मैं पीने जाने वाली हूँ, बस मैं जो शादी जाने बस वही जाऊँगी, उसके बाद मैं मतलब ज़्यादा मेरे को ऐसे पियो रोज़ रोज़ जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं डेली बेसिस पर जाती हूँ। तो बस ये अब मैं अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करती हूँ और उनको सूट दिखाती हूँ क्योंकि उनको सूट देखना था, तो मैं वो करती हूँ और अपने आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, इसी के साथ साथ एक और चीज़, थैंक यू सो मच इतने सारे विश करने के लिए, सबने कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा था, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।